कुछ है हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रधान कुमारी शैलजा सहित अन्य दिग्गज नेताओं में खींचतान तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का रुख भी इस बीच हुड्डा की ओर होने के संकेत दे रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस हाईकमान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के घटनाक्रमों में व्यस्त होने के कारण हरियाणा से आंखें फेर ली है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में व्यस्त होने के कारण हरियाणा के राजनीतिक मसलों पर फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का खास ध्यान नहीं है। तब तक कांग्रेस दिग्गजों के बीच संगठन में अपना रुतबा बढ़ाने को लेकर यूं ही खींचतान मची रहने की संभावना है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकरण करने की दिशा में नीति बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इस वक्त हरियाणा सरकार राज्य के 140 ब्लॉक में 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए पद्मा पहल शुरू की है। इसके तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 साल के टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। यह संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर एजुकेशन के नाम से जाने जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट शुरू किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सबसे पहले ये कोर्स शुरू किए हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में शूटर अनीश ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दशहरे की बधाई दी। पेरू देश की लीमा सिटी में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित मुकाबलों के दौरान अनीश भनवाला का हमेशा की तरह सराहनीय प्रदर्शन रहा। 25 रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में जर्मनी को 10-2 से मात देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं करनाल पहुँचने पर परिजनों ने अनीश का जोरदार स्वागत किया। पानीपत के गांव ढारा की हरिजन बस्ती में शुक्रवार को दशहरा पर्व पर खिलौनों की स्टाल लगाते वक्त बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने हादसे के बाद जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। सूचना मिलते ही इसराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।